मैं उन्हें सलूट करता हूँ राष्ट्रपति साहब को, क्योंकि कोई पहला ऐसा राष्ट्रपति मैंने अपने उसमें देखा कि किसी ने राष्ट्रपति साहब ने बनने के बाद, और सरकार खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और हमारे लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी और वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जो बैठे हुए थे, सबको इनडायरेक्टली लताड़ लगाई है उन्हें, उन्हें बल्कि ये कहा है कि आप लोग जो काम कर रहे हो उसमें सुधार करो, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए। आपको जेलें जो भरी पड़ी हैं, खासकर उन्होंने पहले राज्यपाल होने से पहले भी उन्होंने बताया था कि मैं एक बार काम करने का मौका मिला, मैं जेलों में गई, बेचारे जो इनोसेंट लोग हैं, जो जिन्होंने जो अपराध नहीं किया वो भी जेल में अंदर पड़े हुए हैं, या जिस अपराध की सज़ा मात्र साल या दो साल, उन्हें पाँच पाँच साल हो गई, वो रिलीज नहीं हुए हैं, तो उन्होंने देखा कि अंदर इतना भ्रष्टाचार है, वहाँ जितने भी पुलिस वाले हैं सबके काम धंधे चल रहे हैं, खासकर जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं वो कई कई लाखों रुपये महीने कमाते हैं, जेलों के अंदर को टोटल बिजनेस चलता है, शोषण होता है, वहाँ पर सारे नशे के जितने भी साधन हैं सब मौजूद हैं, फ़ोन नहीं हो सकते तो फ़ोन भी कराए जा सकते हैं, आपको खाना भी कई टाइप का मिलता है, आपको दाल मखनी चाहिए या उसमें आपको घी चाहिए या उसमें बटर चाहिए, जो चाहिए वो मिल जाएगा, पैसा दीजिए, आपको फल के टोकरे मिलेंगे, आपको जिम करने के लिए जिम मिलेगी, सारी सुविधाएँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। और वो अब यहाँ खुल भी रहा है, सुकेज वाला मामला जो है यहाँ दिल्ली के अंदर 200 करोड़ का जो मामला था, यहाँ वो उसे सस्पेंड किया गया है तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को, हाँ सतेंद्र जैन भी उसी के चक्कर में दिल्ली में जेल में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कि ये जेलों में सुधार नहीं चल रहा, जेलों में पनिशमेंट दी जा रही है, शोषण किया जा रहा है, राष्ट्रपति जी ने कहा है कि उसमें सुधार किया जाए, सरकार से कहा है कि लॉ बनाया जाए, कानून बनाया जाए, किस लोगों को कितनी सज़ा कहाँ मुकर्रर की जाएगी और किन लोगों को जेल से बाहर, और जेल बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वही जेल सफिशेंट है, बल्कि तुम लोगों को अननेसेसरी वहाँ पर आप रोके हुए हो, राष्ट्रपति साहब ने कहा कि, और ये इसलिए है, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जो थोड़ा कह रही हूँ ज़्यादा समझने की कोशिश करना, मैंने जो नहीं कहा है वो भी समझने की कोशिश करना, मैं आपको ऊपर छोड़ती हूँ आप कुछ करना, तो सरकार के ऊपर छोड़ा है। समुदाय की भी बात कही कि किस समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा, समुदाय एसटी एससी माइनॉरिटीज के लोग सबसे ज़्यादा हैं, मुस्लिम आदिवासी और शेड्यूल्ड कास्ट सबसे ज़्यादा लोग अंदर हैं, आज भी आप हिसाब लगा के देख सकते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ जातिवादी मानसिकता है, जज वो जाति देख के डिसीजन कर रहे हैं, धर्म देख के डिसीजन कर रहे हैं, जज पार्शलिटी कर रहे हैं, जज अच्छा काम नहीं कर रहे हैं अपना। अभी आज हमारे कर्कट वहाँ पर ये दिल्ली के अंदर एक बताऊँ आपको, जितेंद्र मिश्रा जी हैं वो उसमें पकड़े गए, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, कल ही परसों हाई कोर्ट ने उन्हें सस्पेंड किया है, बताओ ये अपने रीडर के साथ में उसके कपड़े उठा के उसे नंगा कर रहा है अपने उसमें, ये कितनी शर्म की बात है एक जज की, बात बताओ, हमने वीडियो देखी है, क्या जज ऐसा काम करेंगे, हाँ क्या जज ऐसा काम करेंगे, जितेंद्र मिश्रा तुझे शर्म से मर जाना चाहिए, हैं तू ऐसी काम कर रहा है यहाँ पर, तू न्याय कर रहा है क्या, बताइए तो कौन है मिश्रा है आप बताइए, ये लोग जो पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो साह, तो ये लोग जितने भी हैं भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, सर से ऊपर भ्रष्टाचार उतर चुका है, इन्हें सब चीज़ चाहिए, इन्हें पैसा चाहिए, सोना चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, लड़की चाहिए, इन्हें दारू चाहिए, इन्हें सब कुछ चाहिए, इन्हें भ्रष्टाचार के लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए न्याय नहीं मिल पा रहा लोगों को, लोगों ने अपने मकान तक बेच दिया न्याय लेने के लिए, लोगों ने अपने मंगल सूत्र तक बेच दिए, जमीन जायदाद बेच दी, फिर भी न्याय नहीं मिल पाया। लेकिन राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा कि जो लोग जेल में बंद हैं उनको ये भी नहीं पता कि हम पर क्या केस है, क्या धाराएं हैं, क्या क्यों हमें अंदर बंद किया गया। हाँ बिल्कुल, एक कमेटी बननी चाहिए, सुधार होना चाहिए, इस तरह के सुधार होने चाहिए, इस तरह की कमेटी बननी चाहिए, कानून बनना चाहिए। ये गलती किसकी है, सरकार की है ना, सेंटर में किसकी गवर्नमेंट काम कर रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट काम कर रही है ना, आप बताइए कितने राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट काम कर रही है ना भाई, वो भी उन्हें उस बात पर ध्यान ही नहीं है, बताइए ना, उन्हें तो गाय गोबर मूत धर्म और हिंदू और इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस बाकी जामा सब कुछ खामो खाके, बाकी जो काम करना चाहिए उस काम को तो कर नहीं रही है। नहीं, आपको नहीं लगता सरकार पे बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया है राष्ट्रपति जी ने और जजों पर और जो एडवोकेट्स हैं उनको भी लेकर? ना बिल्कुल छोड़ा है, और इससे ज़्यादा और क्या बात कहेंगे, राष्ट्रपति साहब का खड़े होकर जूता मारती हैं, बताइए ना, उन्होंने सही तो बोला है, आप बताओ इनडायरेक्टली वे में उन्होंने ये बोला कि मैं थोड़ा कह रही हूँ ज़्यादा समझो, यहाँ आप सरकार के तीनों स्तंभ बैठे हुए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सारे बैठे हुए थे, लॉ मिनिस्टर बैठे हुए थे, चीफ जस्टिस बैठे हुए, प्रधानमंत्री, सारे बैठे हुए थे ना, और इससे ज़्यादा और प्रश्न चिन्ह क्या होगा, किसी राष्ट्रपति ने अपनी मन की वेदना को जागृत बताया है, भावुक हो गए, भावुक और आंसू आ गए उनके, बताइए आप कितने लोग बचा ले अन्याय की वजह से, अन्याय पर क्या मिल रहा है, पुलिस वाले भ्रष्टाचार, एक एक पुलिस SHO का 30-30 करोड़ की संपत्ति कहाँ से मिल रही है, सरकार कह रही है बताइए, जनसंख्या बढ़ाइए, एक एक SHO, एक एक DCP ऊपर से नीचे तक पैसा का बंटवारा है, ये पुलिस वाले नहीं है, ये तो रिकवरी एजेंट बना रखे हैं, नीचे से लेकर एक सब इंस्पेक्टर हवलदार ऊपर तक पैसा पहुंचाता है, भैया रिकवरी एजेंट बैंक खोल रखा है क्या दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस का की बातों का इनका कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पड़ना चाहिए, आप हमको, आप क्या बोल रहे हैं,
हम भी चुप थे ना, आप बताए राष्ट्रपति जी ने क्लू दिया, हम भी बोलने लगे, हम भी बोल रहे हैं, सारी जनता बोल रही है, पूरा देश में बोल रहे हैं, बताइए और क्या बोल रहे हैं। आप लोग तो कहते रहे कि एस सी एस टी माइनॉरिटी के लोग ही ज्यादा जेल में बंद हैं। दूसरी बात ये देखो, एस सी एस टी ओ बी सी माइन हमारा जो जो नेशनल एस सी एस टी कमीशन है, एस टी का कमीशन है, ओबीसी का माइनॉरिटीज का कमीशन है, इनको कोई पावर दे रखी है सरकार ने? कोई पावर ही नहीं है उन्हें दंडित करने की, कोई पावर नहीं। बताइए जिस आयोग को पावर पनिशमेंट की शक्ति नहीं होगी, पावर नहीं होगी, तो उससे डर क्या लगेगा? बताइए मानव अधिकार आयोग के जो वो होते हैं चेयरमैन, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड होते हैं। अरे तुम्हें किसी का मानव का उसका मानव अधिकार खत्म हो रहा है, मानवीय अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और तुम्हें उसे सजा देने की पावर नहीं है, तो भैया और क्या करोगे? क्या फायदा हुआ ऐसे अधिकार हो ऐसे आयोग का? खामोखा आप जो है तनख्वाह ले रहे हो बैठ के वहाँ, ऐसे आयोगों को भंग करो, या तो उन्हें कानून बना के उन्हें शक्ति दो ताकि डर लगे लोगों को। बताइए सबको पता है दुनिया भर के एस सी एस टी में जो कमी वो जाती है कमीशन में, जितनी भी कंप्लेंट जाती हैं उन कंप्लेंट में होता क्या है? सब पता, चार छः चक्कर मार के चार छः महीने में बंद हो जाती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा एस एच ओ को वो कर देते हैं या डी एम और कमिश्नर को तलब कर लेते हैं। सब जानबूझ के साजिश के तहत हो रहा था, बिल्कुल साजिश हो रही है, सिस्टम को बनाए रखा है। 75 साल हो गई, शर्म की बात है, इंग्लैंड अमेरिका कब के मतलब आज़ाद हो चुके हैं, कितने डेवलप हो चुके हैं। हमारे यहाँ का जो भी विद्वान लोग हैं इंडिया में रुकना ही नहीं चाहता है। आप बताइए 10,000 लोगों ने आप बताइए 10,000 लोगों ने इंडिया छोड़ दिया। अभी जितने भी जो भी हैं करोड़पति अरबपति होता है विदेश भाग जाता है, अपने बच्चों को विदेश भेज देता है, सिस्टम को सुधारा नहीं जा रहा, इसलिए तो विदेश भेजा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए यार, तुम हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म गाय गोबर मूत मीट धर्म इसी के चक्कर में लग रहे हो यार। की बात तो न्यायपालिका में भी है ना, देखिए वही तो कहना चाह रही थी राष्ट्रपति। बिल्कुल है, 100% है, एक भी एस टी एस सी और ओ बी सी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है ही नहीं। बताइए आप सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं 31 जज हैं, उनमें से कौन सा एस सी है बता दो, कौन सा एस टी है? इस पूरे मामले में एडवोकेट्स क्या कर सकते हैं आप जैसे वकील? जितने भी हाई कोर्ट हैं और जितना सुप्रीम कोर्ट है उनमें बिना टेस्ट पास करे जज बनाया जाता है। ना कोई टेस्ट है ना कुछ है, कॉलेजियम सिस्टम है, अपने भैया बना दे, आपका भतीजे बना दे, फूफा बना दे, साड़िया बना दे, साड़ुआ बना दे, सब है। मतलब ऐसे नेताजी के हैं ये, इन्हें बना दो, 300 परिवारों में से जज बनाए जा रहे हैं। हमारा नंबर ही ना आ रहा, हम वेल क्वालिफाइड खड़े हैं आज के, बताइए हमें एडीजे भी ना बना रहे। 3 बार हमने क्वालिफाई करा एग्जाम, हमारे मेंस को ही ना करने, जिसने मेंस भी कर लिया उसे इंटरव्यू में बैठा देते हैं। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एग्जाम लिया उसमें से कई ऐसे जो एससी बेचारे घर बैठा दिए इंटरव्यू लेने के बाद भी। क्या हो रहा है, पार्शलिटी तो हो रही है, एससीओ को ऊपर मत लेकर आओ, क्योंकि यदि एडीजे डायरेक्ट बन गया तो जस्टिस बन जाएगा हाई कोर्ट में, फिर ये हमारे टांग खींचेगा। अब बता तुम तो बिना टेस्ट पास करे तो क्या राष्ट्रपति के पास कोई पावर ऐसी है जो इनमें सुधार कर सके? राष्ट्रपति को मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति लाचार हैं, राष्ट्रपति को पावर नहीं है। राष्ट्रपति को पावर होती तो वो शायद सबको हेड है, लेकिन जो सरकार का जो संघ का जो प्रधानमंत्री है, पावर प्रधानमंत्री के हाथ में है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ कर विनती है प्राइम मिनिस्टर साहब से, मोदी जी आप बूढ़े हो चुके हो, 75 साल के हो चुके हो, 10-5 साल और जियोगे, अरे या 80 साल भी जियो 90 साल भी जियो, हम तो भगवान से दुआ करें कि आप 100 साल जिए और देश में कम से कम ऐसा सुधार तो करके जाओ कि कम से कम लोगों को याद रहें कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वो रहे, किरण रिजिजू जी लॉ मिनिस्टर रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये रहे। कुछ करोगे या खामों का तनख्वाही तोड़ते रहोगे? बताइए आप खा रहे हो पी रहे हो मजे ले रहे हो जिंदगी के, 2,500 करोड़ के हवाई जहाज़ में उड़ रहे हो, एक एक थाली तुम्हारी कह के 1,000 करोड़ की आ रही है। तो अब जितने भी जज हैं सबकी साली साड़ू जीजा सब विदेश में मजे ले रहे हैं, हर छुट्टियों में अब स्विट्जरलैंड में मजे ले रहे हैं, जज ही तो ना ले रहा, बाकी उसके बेटी बेटा पोते सब जा रहे हैं, जितने वकील हैं सारे टिकट बुक करवा रहे हैं इनके। आप बताइए क्या हो रहा है, एक एक के फार्म हाउस हैं, कई कई 1,000 करोड़ के प्रॉपर्टी खटे रहे, कहाँ लेके जाओगे, छाती पर लेके जाओगे, सब मर जाओगे, कुछ नहीं कोई लेके जा रहा है इस दुनिया में। कम से कम ऐसे अस्थाई है, भगवान बुद्ध ने कहा है जो भी दिखाई दे रहा है सब अस्थाई है, इसलिए कम से कम ऐसा काम करके जाओ कि कम से कम आपको लोग 100 वर्षों का 1,000 वर्षों तक जान सकें। ऐसी व्यवस्था कायम कीजिए, ऐसा कानून बना के जाओ कम से कम कि देश में लोग जाने पहचाने सलूट करें। आज भी लोग जितने दबे कुचले लोग हैं उन लोगों को जो न्यायप्रिय लोग रहे हैं, जो भगवान बुद्ध थे वो जाति से एससी नहीं थे, वो ना एसटी थे, पूछ रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहे हैं, उन्होंने अच्छे काम किए थे। बाबा साहब को इसलिए पूछ रहे हैं, ओबीसी से हमारे जो वो थे ज्योतिबा फूले राष्ट्रपति, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, उन्हें याद कर रहे हैं। महापुरुष हमेशा याद किए जाते हैं, तो महापुरुष बनने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रपति ने ये कहा, राष्ट्रपति महोदया जी ने, कि आप काम अच्छे कीजिए, कुछ सुधार कीजिए, और इसके बाद भी सुधार नहीं करते हैं तो आप ये समझ लो पत्रकार महोदय कि ये जानबूझकर व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, लोगों को जिंदा मारना चाहते हैं, लोगों को भूखा मारना चाहते हैं, लोगों को पैसे के लिए एक एक
एक एक पैसे लेके परेशान करना चाहते हैं, लोगों को दूध ना मिले, महंगाई इतनी पहुँचा दो कि साले पेट के चक्कर में लगे रहें। मैं ये कुछ करें ही नहीं बिल्कुल भी। पढ़ाई को इतना महंगा बना दो इनके बच्चे पढ़ लिख कर ऊपर ना जाएं। स्वास्थ्य को इतना महंगा कर दो कि अपना 2-4 साल में लुढ़क लेगा, मर लेगा अपना आप ही। तो सिस्टम क्या कह रहा है आप बताइए? यही तो कह रहा है। मतलब आप इनकी वोट लिए जा रहे हो हर बार कुछ ना कुछ करके, लेकिन इन्हें मिल कुछ नहीं रहा। लूट इनका सब कुछ लिया है, रोजगार ख़त्म कर दिया है। कुछ ना रोजगार पर बात होती है, ना शिक्षा पर बात होती है, ना स्वास्थ्य पर बात होती है, ना महंगाई पर बात होती है, ना वोटिंग पर बात होती है। वो क्या हो रहा है? ईवीएम पर कोई बात ही नहीं हो रही। किसी भी देश में ईवीएम देख लो आप, जो अच्छे अच्छे देश हैं जितने भी लोकतांत्रिक, हमें तो ऐसा लगता नहीं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो भी एक बार कोई जज बन जाता है ये समझ लो राजा बन जाता है, एक बार कोई मिनिस्टर बन जाता है समझ लो मैं राजा हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा, एक बार कोई भी सीएम बन जाता है वो व्यवस्था को चेंज करने की कोशिश करता है। अरे भाई यहाँ इंडिया है, आप पीछे का इतिहास उठा के देख लो, लोग कितने आए कितने चले गए, राजाओं के राज नहीं रहे, गांव वालों के गांव नहीं रहे। अरे यूँ ही आओगे यूँ ही हाथ धर के चले जाओगे, कुछ नहीं रखा जिंदगी में। समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? आप मरना निश्चित है, इसलिए मैं कहता हूँ कोई बढ़िया काम कीजिए। हम भी बढ़िया काम कर रहे हैं जितना हमारी हमारा बस की है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ। बाबा साहब के पदचिन्हों, जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया, उस बाबा साहब के रास्ते पर चलें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। उसके लिए हमें अपना तन भी बेचना पड़ जाए, मन भी, हमें प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाए, कुछ भी बेचनी पड़ जाए, हम कम खा लेंगे लेकिन बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। साथियों मैं यही कहूँगा, आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि बदलेगा नहीं, बदलाव प्रकृति का नियम है। हमेशा बीजेपी ना रही, पहले बीजेपी नहीं थी, अब भी बीजेपी अब है, ऐसा नहीं कि आगे भी हमेशा बीजेपी रहेगी। कांग्रेस ने इतने साल राज किया, अब कांग्रेस राज नहीं कर रही, आने वाले समय में कोई और राज करेगा। अब दिल्ली पर शीला दीक्षित ने 15 साल राज किया, अब कौन कर रहा है? अब केजरीवाल कर रहा। ये परिवर्तन जो है कुदरत का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। तो आप हमेशा ना चीफ जस्टिस रहोगे, आप भी चले जाओगे, आपकी औलाद भी ना रहने की है। और लॉ मिनिस्टर से भी मैं कह रहा हूँ कि वो भी हमेशा को लॉ मिनिस्टर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी आप भी हमेशा ना रहोगे, एक दिन जाना है। इसलिए व्यवस्था को ऐसा बना के जाओ लोग चाहें हमारे देश का पूरी दुनिया में डंका बजे, हमारा देश विकसित हो, जल्दी से जल्दी विकसित हो, हम तो जब जानते हैं। साथियों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।